हेलो एवरीवन, ये देखिए मेरा हाइब्रिड या जिसे आप ग्राफ्टेड गुलाब कहते हैं उसका पौधा है। और देखिए अब जाके इस पर कलियाँ जो है पूरी तरह बन चुकी हैं और खिलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे थोड़ा मतलब धूप निकलेगी इन पर फूल खिलने अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ सर्दियों में भी गुलाब जो है डोरबेंसी में चला जाता है। ये मेरा वही पॉट है जिसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था, रिम में साइड में मैंने केले के छिलके दबाए थे गुलाब के लिए। मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था 3 साल पहले, मैंने इतने सारे वीडियोस देखे थे, इतने सारे वीडियोस, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि क्योंकि अक्सर कहा जाता है ये गुलाब फूलों का राजा है, तो इसको गंदगी पसंद नहीं होती है, इस पर फंगस आ जाती है इसके। और आप देखते हैं मेरे हर एक पॉट में आपको खूब सारा ब्राउन मटेरियल मिलेगा जो कि मैं हमेशा डालती हूँ मल्चिंग करते टाइम मेरे सभी पॉट्स में। देखिए ये मेरा देसी गुलाब है, इसके अंदर है, ये देखिए एक गुलाब है जिसके अंदर ये अलाइसम भी लगा हुआ है, ये दूसरा देख लीजिए, मतलब सभी गुलाबों के अंदर मेरे मल्चिंग रहती है और यही डिकम्पोज होता रहता है और पौधे को पोषण देता रहता है। मैंने आज तक इन पौधों पर कोई भी फंजीसाइड जो मार्केट में केमिकल वाले आते हैं वो यूज़ नहीं किया है। हाँ, मैं नीम खली या एलोवेरा का जो बायोएंजाइम मैंने बना रखा है या लिक्विड बनाती हूँ वो मैं ज़रूर डालती हूँ, जो कि ऑर्गेनिक है, बिल्कुल नेचुरल है, उसमें ऐसा कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होती है। और इस बार तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, लाइव दिखाए थे कि मैंने केले के छिलके फ्रेश दबाए थे कॉर्नर में और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। हालांकि पहली बार जब किया था डरते डरते किया था, क्योंकि जब आप काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि आप कहीं जो चीज़ कर रहे हो कहीं गड़बड़ ना कर जाए। बट एक चीज़ मैंने जो सीखी है कि आप फुल पॉजिटिविटी के साथ में प्रकृति माँ को सब समर्पित करते हुए वो जो चीज़ दे रहे हैं, जो उनसे ही प्रकृति से ही मिली है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं पिछले 3-4 सालों में जो आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। अच्छा, एक सवाल था कि मैम प्रूनिंग कब करें, ये बड़ा इस टाइम का सबका ही सवाल है और मेरे मन में भी, पहले मुझे नहीं समझ आता था कि प्रूनिंग का परफेक्ट टाइम क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा मेथड होता है, जैसे अभी डोरमेंसी में गया हुआ था ये गुड़हल और मैंने देखिए इसको प्रून कर दिया। प्रून क्यों किया, क्योंकि देखिए इसके जो नोड एरिया हैं वहाँ से नए नए शूट्स निकलने लग गए हैं। जैसे ही आपको किसी भी पौधे पर, जैसे ये देखिए हल्दी कुमकुम का है, इस पर देख रहे होंगे न्यू शूट्स निकलने लगे हैं, तो अब ये तैयार है प्रूनिंग के लिए, तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है या सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। आपका पौधा अगर बहुत ज़्यादा हाइट में चला गया है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और पौधा छोटी हाइट में है, सॉरी बड़ी हाइट में है, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग, मतलब देख लीजिएगा आप अपने पौधों के अकॉर्डिंग करिएगा। जैसे मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं, तो गर्मियों में जब आंधी आती है तो बड़ी दिक्कत आती है, टेरेस पर गिरते हैं पेड़ ये पौधे, तो मैं थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। बाकी जो पौधा छोटा है उस पर आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिएगा। और आज और कल है डेट, आपको पता है, फूलों वाले पौधे लगाने की, मतलब बीज लगाने की। तो देखिए मैं बीज अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे टेरेस पर करना है बहुत सारा काम, तो मैं आज तो नहीं लगा रही हूँ, कल एक दो बीज लगाऊंगी तो शेयर कर दूंगी। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने पॉट तैयार कर रखे हैं अपने फूलों वाले पौधों में रिपॉट करना, एक तो देखिए ये करना है मुझे गंधराज और एक करना है ये मधुकामनी, जो कि अभी एक भी पत्ती नहीं है इस पर इन दोनों को ही मैं कल, आज तो नहीं कर रही हूँ, कल मैं मॉर्निंग में दोनों ही पौधों को रिपॉट कर दूँगी और अब स्टार्ट करूँगी पॉट चेंज करना सबके और रूट फिलिंग करना। कई सारे लोगों का एक सवाल है कि मैम रूट फिलिंग जो है, हम रूट फिलिंग और प्रूनिंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं? बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो अब आने वाला टाइम है इतना परफेक्ट टाइम है पौधों के लिए कि आप पौधों पर बिंदास होकर काम करिए। बट हाँ, अपनी मिट्टी में प्लीज़ केमिकल कोई मत डालिएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, खैर जो लोग डालते हैं देखिए केमिकल उनका एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, बट मुझे लगता है मिट्टी में किसी भी तरीके का केमिकल नहीं डालना चाहिए। और देखिए ये होता है साइन बसंत के आगमन पे सारे नए नए कौपल निकलने लगते हैं। ये देखिए तेज पत्ते में नए नए कौपलें शुरू हो गई हैं और अब ये जो मेरा थूजा है इसके देखिए इस पर बनेंगे सब पर बीज, जो मैं हटा दूंगी, एक भी बीज नहीं रखती हूँ आपको पता है, सारे के सारे हटा देती हूँ। अगर आपको पौधे को सही स्वस्थ रखना है, थूजा के पौधों को लंबे समय तक अपने पास में रखना है, तो इसके सीड्स हटाते रहा करिए, आपका पौधा ग्रीन बना रहेगा। तो आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। आज और कल आप फ्लावरिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं और फूलों के बीज भी लगा सकते हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंथ में 3-5 डेट कम से कम आती हैं। देखिए जो पूर्णमासी से 48 घंटे पहले
पहले वाली डेट है वो तो यूनिवर्सल है, उसमें तो आप सभी तरीके के बीज लगा सकते हो, किसी भी तरीके के, फल वर्गीय, फूल वर्गीय, पत्ता वर्गीय, सभी। लेकिन बाकी जो मैंने कैटेगरीज आपके साथ शेयर की हुई हैं वो पर्टिकुलर होती हैं, तो उसमें भी तीन तीन चार चार डेट्स हमारे पास हैं। अब जैसे फूलों वालों के लिए है 2 और 3, फिर है 19 और 20, और 21 तारीख है पूर्णमासी से 48 घंटे पहले वाली। तो आपने घबराना नहीं है, अगर अभी आप नहीं लगा पा रहे हैं तो 19, 20, 21 आपके पास डेट्स हैं। बाकी फलों वाले देख लीजिएगा कैलेंडर, आज मैं फिर शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में देख लिया करिए, मतलब बार बार मेरे को बताना मुश्किल हो जाता है, तो कमेंट सेव करके रख लीजिएगा जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो। और डेली अपडेट इसीलिए मैं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, तो आप भी अपने टेरेसेस पे वो वाले काम कर लीजिए, इसीलिए आप लोगों को डेली अपडेट देती हूँ, तो देख लिया करिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और गार्डनिंग सच में बहुत आसान है करना, सिर्फ आपने अपनी मिट्टी को अच्छा बनाना है। और आई होप अब आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, हो गया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ कर दिया करिए शेयर, मेरे लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।